IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ संख्या 2, बचपन, पृष्ठ संख्या 5। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हां, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। पृष्ठ संख्या 6। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। पृष्ठ संख्या 7। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी।
हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। पृष्ठ संख्या 8। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हां, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में एनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हां, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। पृष्ठ संख्या 9।
आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। लेखिका कृष्णा सोबती। पृष्ठ संख्या 10। प्रश्न अभ्यास संस्मरण से। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थीं? प्रश्न संख्या 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? प्रश्न संख्या 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न संख्या 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। संस्मरण से आगे। 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। अनुमान और कल्पना। 1, सन 1935 से 1940 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। पृष्ठ संख्या 11, भाषा की बात। 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। 2, चार दिन, कुछ व्यक्ति, एक लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें चार, कुछ और एक लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी चार दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार एक लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है,
इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। क: मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ख: 2 किलो अनाज दे दो। ग: कुछ बच्चे आ रहे हैं। घ: सभी लोग हंस रहे थे। ज्ञ: तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। 3. कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं दिलचस्पियां और मौसी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। पृष्ठ संख्या 12। कुछ करने को। 1. अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। 2. 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। 3. हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। 4. हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।